तो ये एग्जिट पोल्स के अनुमान हैं। असली नतीजों के लिए हमें मतगणना का इंतजार करना होगा। घर में जब बेटियां नहीं होंगी, पेड़ पर टहनियां नहीं होंगी। बिल्किस खान की इन पंक्तियों को नया अर्थ दिया है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। 74 साल के अपने पिता को नई जिंदगी देने के लिए रोहिणी आचार्य ने खुद की जान को खतरे में डाल दिया। उन्होंने पिता को किडनी डोनेट की। सारा जमाना उनकी इस दिलेरी का दीवाना हो गया है। हर कोई कह रहा है बेटी हो तो रोहिणी जैसी। पापा की परी सोशल मीडिया में छाई है, सुर्खियों में रोहिणी की मसीहाई है। लालू के आंगन में यूं तो 9 संतानें आई, लेकिन जब किडनी की जरूरत आई तो रोहिणी ही सामने आई। सारा जमाना बिटिया की तारीफ में डूबा हुआ। क्या अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। सिंगापुर में जब लालू यादव का ऑपरेशन हो रहा था, पटना में इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा था। समर्थक लालू यादव के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांग रहे थे। लेकिन कामयाबी इसलिए मिल पाई क्योंकि रोहिणी खुशी खुशी पापा को किडनी देने को राजी हो गई। रोहिणी की कुर्बानी रंग लाई। बीमारी से जंग में लालू यादव की जीत हो गई। तेजस्वी ने अस्पताल का वीडियो ट्वीट कर दिया, लिखा, पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। सिंगापुर में लालू यादव के सफल ऑपरेशन से कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना ना रहा। सियासत में गरीबों के मसीहा कहलाने वाले लालू यादव एक बार फिर कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष के प्रेरणा स्रोत बन गए। आरजेडी ने ट्वीट किया, हम जंग जीतेंगे, आज हम सब यही आदरणीय लालू यादव जी से सीखेंगे। लालू राबड़ी के आंगन में जन्मी रोहिणी ने रिश्तों की कोई किताब भले ही ना पढ़ी हो, लेकिन पिता के चेहरे की झुर्रियां पढ़ रखी थी। माँ के जरिए रोहिणी को यह पता चल चुका था कि पापा ने बिटिया को छांव बख्शने की खातिर खुद को संघर्ष की धूप में जलाया था। तभी तो MBBS की पढ़ाई करने और इंजीनियर से शादी के बावजूद वो पिता में फरिश्ते की परछाई देखती रही। उन्हें मालूम था कि पिता के होने से ही बख्त होते हैं, पिता घर के दरख्त होते हैं। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से पहले रोहिणी ने ट्वीट कर कहा था, हम तैयार हैं, मुझे शुभकामनाएं दीजिए। दो बेटों और एक बेटी की मां रोहिणी आचार्य को MBBS डॉक्टर होने के नाते इस बात का बखूबी इल्हाम था कि किडनी डोनेट करना कोई खेल नहीं होता। लेकिन वो ये भी जानती थी कि पिता का साया घर की दीवार की तरह होता है और इनका साया छिन जाना किसी कयामत से कम नहीं होगा। रोहिणी का ये ट्वीट इसी एहसास की बानगी है। मेरे लिए इतना ही काफी है, आपकी खैरियत मेरी जिंदगी है। किडनी दान करने से पहले रोहिणी ने एक भावुक फेसबुक पोस्ट लिखा था, जिसके हर्फ हर्फ बाप बेटी के रिश्तों को नई पहचान बख्शते चले गए। रोहिणी ने इस फेसबुक पोस्ट में लिखा, इस दुनिया में मुझे आवाज देने वाले पिता जो मेरे लिए सब कुछ है, अगर मैं अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भी योगदान दे सकूं तो मैं बेहद भाग्यशाली महसूस करूंगी। माता और पिता इस धरती पर भगवान हैं और सभी को उनकी सेवा करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। आपकी शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। मुझे सभी से विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है, मैं भावुक हो गई हूं। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। पिता लालू यादव को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य आज देश भर में प्रशंसा की पात्र बन चुकी हैं। कोई उन्हें बिहार का गौरव बता रहा है तो कोई उन्हें बेटियों का अभिमान कह रहा है। बहुत सारे लोग इसे रोहिणी के संस्कार और लालू यादव की परवरिश का कमाल बता रही हैं। रोहिणी आचार्य का राजनीति से कोई सीधा रिश्ता नहीं है,
लेकिन जब भी कोई लालू परिवार को निशाना बनाता है, रोहिणी उसे खामोश करके ही दम लेती हैं। सोशल मीडिया पर उनका आक्रामक अंदाज समर्थकों का हौसला बढ़ाता है तो लालू यादव के राजनीतिक विरोधियों के लिए शूल बन जाती हैं। लेकिन जैसे ही दुनिया को इस बात का पता चला कि रोहिणी आचार्य ने ही पिता लालू यादव को किडनी देकर नई जिंदगी दी है, विरोधी भी रोहिणी की बहादुरी का लोहा मान गए, उनकी दिलेरी के कायल हो गए। लालू परिवार पर हमेशा तीखा हमला बोलने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिणी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। लालू यादव के एक सियासी विरोधी और उनके परिवार के मुखर आलोचकों में शुमार गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी, आज रोहिणी आचार्य को देखकर सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। मेरी नानी हमेशा कहती थी, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। रोहिणी हर दिल अजीज हो चली हैं, हर किसी को उनकी दिलेरी पर नाज है। जिन्हें बिटिया नसीब नहीं हुई उन्हें तो इन रिश्तों पर और भी रश्क हो रहा है। पिता के लिए बिटिया के प्यार से ईर्ष्या हो रही है। किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का सोमवार को सफल ऑपरेशन हुआ है। उनकी बड़ी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लालू यादव बोलते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। हम लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। वीडियो साझा करते हुए मीसा भारती ने लिखा, आप सबकी दुआओं ने ही पापा का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें बेहतर महसूस करवाया है। आज पापा ने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। जिस दौर में अखबार से टीवी तक की खबरें रिश्तों के कत्ल से पटी हो, जब चांदी के चंद सिक्कों की खातिर मोहब्बत नीलाम हो जाती हो, जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाने वाले ही जान के दुश्मन बन जाते हो, नौजवान अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझकर छोड़ देते हो, उस दौर में 42 साल की MBBS बिटिया का 74 साल के बुजुर्ग पिता को किडनी डोनेट करना वाकई दिलेरी है। रोहिणी मिसाल है, आंधी में जलती हुई मशाल है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।